वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ डेमिलान क्रीम के बारे में शेयर करने वाली हूँ। ये वीडियो पार्ट टू रहने वाली है। इसकी पार्ट वन वीडियो पहले से अपलोडेड है, उस वीडियो में मैंने सारे कुछ आप लोगों को नहीं बता पाई थी क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। अगर मैं सारी कुछ एक ही वीडियो में डाल देती तो और आपको बोरिंग लगती बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी पार्ट टू बता दिया जाए क्योंकि बना दिया जाए क्योंकि हर चीज आपको अच्छे से बताना मेरा जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर मैं आपको अच्छे से नहीं बताऊंगी तो आपके फेस पे साइड इफेक्ट हो सकती है या आप गलत तरीके से यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से इसको भी अपलोड कर दिया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लेते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल को प्रेस कर लीजिएगा और बिना स्किप करके देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स गो इनटू फ्रेंड्स। जो प्रोडक्ट है मैंने पहले बताया आपको कि डेमिलान क्रीम है, इसकी मैं प्राइस एंड क्वांटिटी आपको बता देती हूँ। तो ये आपको 500 में मिल जाती है, 500 बिलो ही आपको मिल जाएगी एंड इसकी क्वांटिटी आपको 20 ग्राम आ जाती है। सो फ्रेंड्स, इसकी इंग्रेडिएंट की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको ग्लाइकोलिक एसिड मिल जाती है, आर्बुटिन मिल जाती है, कोजिक एसिड, डिप्लोमिडेट मिल जाती है। ये जो तीनों इंग्रेडिएंट है इसकी परसेंटेज की बात करूं तो कोजिक एसिड आपको 2% मिलती है, आर्बुटिन आपको 5% मिलती है और ग्लाइकोलिक एसिड आपको 10% मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी ये बात करें फ्रेंड्स कि इसके क्लेम्स क्या क्या है, उसके बाद आपको इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगी और इसके यूजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपकी स्किन को ग्लो रेडिएंट बनाती है स्किन और आपकी स्किन वाइटनिंग पर वर्क करती है। आपके किसी भी टाइप की पिगमेंटेशन हो सारे चीज को ये रिड्यूस करती है। यूजेस की मैं बात करूं फ्रेंड्स और ये इस इंग्रेडिएंट को दोनों मिला करके, तो फ्रेंड्स इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड मिलाई गई है वो है 10% मिलाई गई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो 10% जो इंग्रेडिएंट जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी क्रीम देखी होगी ग्लाइकोलिक एसिड 6%, ग्लाइकोलिक एसिड 12%, तो 10 और 12 एकदम आसपास है। तो उस चीज को हम लोग एक टाइम यूज करते हैं। ठीक है, एक टाइम आपको नाइट में यूज करनी है, लेकिन वीक में आपको रेगुलर इसे फॉलो नहीं करनी है क्योंकि इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो 10% है फ्रेंड्स। तो आपकी स्किन को पील आउट तो करेगी करेगी, और एक चीज आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं यूज कर सकते हो। क्यों नहीं यूज कर सकते हो? क्योंकि इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है। आप वीक में कम से कम आप 4 डेज लगा सकते हो, उसे ज्यादा नहीं लगा सकते। ठीक है, अल्टरनेट डेज करके भी कीजिएगा तो 3 डेज आपको होगी इनफ है, 3 डेज आपकी स्किन के लिए। आप 15 डेज यूज किए, 20 डेज यूज किए, 20 डेज मैक्सिमम 20 डेज यूज किए, उसके बाद फिर इसे बीच में स्किप कर दीजिए। उसके बाद जब आपको प्रॉब्लम नजर आए तब आप इसे यूज कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो 10% है, तो जो 10% ग्लाइकोलिक एसिड है वो स्किन के लिए सही नहीं रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। आप इसे डेली डेली यूज करोगे और सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन नहीं लोगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो जाएगी और सेंसिटिव होने लगेगी ये क्रीम से। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा और ड्राई स्किन में मत यूज कीजिएगा क्योंकि अभी विंटर आने वाली है, विंटर में आप लोगों के लिए सही नहीं रहेगी। ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन, ये 3 स्किन टाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन तब भी आप एक बार पैसे जरूर कर लें। मैंने आपको जैसे बताया अल्टरनेट डेज करके आपको यूज करनी है, सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन बिल्कुल लेनी है, 50+ सनस्क्रीन होनी चाहिए और जो भी आप मॉइस्चराइजर और फेस वॉश लें उसमें आप देखिएगा नॉर्मल इंग्रेडिएंट होनी चाहिए। यस फ्रेंड्स, नॉर्मल इंग्रेडिएंट होनी चाहिए, जस्ट लाइक एलोवेरा हो गई, रोजीप हो गई, टी ट्री हो गई, फिर वीट ग्राम हो गई, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। आपको सैलिसिलिक एसिड वाली, हाइलुरोनिक एसिड वाली वो सब इंग्रेडिएंट आपको नहीं लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, रिजल्ट की मैं बात करूं तो रिजल्ट अच्छी है इसकी। अगर पूरी फुल रिव्यू आपको चाहिए तो प्लीज आकर के देख ले इसकी पार्ट वन वीडियो। चलिए आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय गाइज़।